I welcome my junior students. Good morning to all of you. I am Deepak sir. Today I am going to start your English book about first flight. In this book you have to study about the first lesson which name is A Letter to God. आज मैं आपको English book में पहला lesson A Letter to God के बारे में explain करने जा रहा हूँ. Before you read, they say faith can move mountains. यानी लोगों का कहना है कि विश्वास पर्वत को भी हिला सकती है. Listen carefully. But what should we put our faith in? परंतु हमें किस पर विश्वास करनी चाहिए? This is the questions. This story delicately poses. यह एक प्रश्न है जिसका वर्णन बड़ी कोमलता से किया हुआ है. लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रेन्ड. इस कहानी में लेंचो नामक एक किसान है जिसने अपनी फसल के नष्ट हो जाने के पश्चात भगवान को एक पत्र भेजता है. कैसे पत्र भेजता है इसके बारे में इस कहानी में दर्शाया गया है. इसमें कह रहा है आस्किंग फॉर 100 पोस्ट. यहाँ पर लेंचो जो है ईश्वर से कुछ पैसा भेजने के लिए डिमांड करता है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. क्या लेंचो का पत्र भगवान को पहुँचता है इस कहानी में दिया गया है. डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या भगवान उसे पैसा भेजते हैं. थिंक व्हाट योर आंसर टू द क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बी फॉर यू बिगिन टू रीड इट. और इस सवालों के जवाब को सोचे और पढ़ने से पहले अंदाज़ा लगाइए कि इस कहानी में यानी किस प्रकार से ये कहानी को आगे बढ़ाया गया है. क्या उसका पत्र में जो लिखा गया जो वर्णन किया गया जो उसका भाव है क्या वह साकार होता है या नहीं होता है. इसमें कुछ एक्टिविटीज़ को दर्शाया गया है. वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस. इसमें बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस में किसी आदमी जो कोई भी आदमी जब पोस्ट ऑफिस में लेटर को भेजता है कुछ पैसे को भेजता है उसके तरीके में यहाँ पर बताया गया है. बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर लेसन. लिसन केयरफुली. द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली. यहाँ पर इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि पहाड़ी की छोटी पर बना हुआ एक घाटी में अकेला एक घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी इन द रिवर एंड द फायर ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिसेज ए गुड हार्वेस्ट. और ऊंचाइयों से कुछ नदियां यहां पर गिरती हुई नज़र आती है. खेत में फसल भरे हुए हैं फूल से भरे हुए मैदान नज़र आते हैं. एंड यानी ये खेतों को देख करके ऐसा लगता है कि फसल बहुत अच्छी हुई. द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपुर और एट लीस्ट ए शोवर थ्रू आउट द मॉर्निंग. लेंचो हु न्यूज हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. और लेंचो जो किसान हैं अपने कृषि के विषय के बारे में कुछ समझता था. वह सुबह आकाश में उत्तर पूर्व की दिशा की ओर देख रहा था ताकि कुछ बारिश की संभावनाएं थी और कोई काम नहीं था उसको. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. और उनकी पत्नी जो कहती है कि अब हम फसल
में कुछ जल लेने जा रहे हैं। उसकी स्त्री ने कही, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। स्त्री जो रात का भोजन बना रही थी उसने जवाब दिया, हाँ यदि भगवान की इच्छा हो तो। द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और उनके जो बच्चे जो हैं खेत में कार्य कर रहे थे, बड़ा बच्चा जो है खेत में काम कर रहा था और छोटा जो था घर के बाहर ही यानी खेलकूद कर रहा था। तब तक स्त्री जो है उनकी पत्नी जो है लंचो की अपने बच्चों को पुकारती है कि रात के खाना बन चुका है अतः आप आकर के खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट ए क्रीच टॉप ऑफ ए हिल लंचो हैड प्रीडिक्टेड बीइंग क्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और भोजन के दौरान ही लंचो ने यह घोषणा किया, अपनी पत्नी से बोला कि बारिश की बूंदें गिरना आरंभ हो गई है। इन द नॉर्थ ईस्ट हॉग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और उत्तर पूर्व से घने बादल नज़र आते हुए उनको दिख रहे थे। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें यानी गिरना प्रारंभ हो गई है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव टू प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड वेन द रिटर्न्स ही एक्सक्लेम्ड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर नाउ क्वाइंस या न्यू कॉन्स द बिग ड्रॉप्स आर टीन सेंट्स पीसेज एंड द लिटिल वंस आर फाइव। और वह जो बाहर निकल करके लंचो जो है बरसात का आनंद लेने के अतिरिक्त उसके पास और कुछ वजह नहीं रह गया था। और जो वापस आता है तो हैरानी से बोलता है कि ये जो बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं ना, ये एक बूंद नहीं है बल्कि हमारे लिए एक नए सिक्का है। जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट हैं और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट है, यानी सेंट जो हैं वहाँ की मुद्राएँ हैं। बहुत खुश होता है जब बाहर ठंडी हवा बहती है और बारिश आती है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रेप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेंस ऑफ रेन। और वह बहुत ही संतुष्टि के भाव से अपने मकान के छतों पर जो बारिश जो गिर रहा था उसे देख करके बहुत ही संतुष्ट होता है। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out of the collection to the frozen river. लेकिन बारिश के साथ साथ धीरे धीरे हवाएं इतनी तेज हो गई कि ओले पड़ने लगे, यानी पत्थर गिरने लगते हैं। और ओले जो गिर रहे थे चांदी के सिक्के की तरह नज़र आ रहे थे और लड़के जो उनके थे बाहर जो सिक्के की तरह यानी मोतियों की तरह जो ओले गिर रहे थे उसे इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। इट इज़ रियली गेटिंग अ बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। यहाँ पर जो लंचो है वह यानी दुखित होकर के बहुत ही हैरान होकर के अब वह सोच करके यानी कहने लगा, ये तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। आई होप टू इच पासेस क्विकली इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद बरसात। और इतनी ओले बरसने लगे कि वह आशा नहीं कर सकता था कि इतनी जल्दी यानी उनके खेत उनके घाटी में इतने ओले भर जाएंगे जो पहाड़ियों के नीचे जो संपूर्ण घाटी में उसके खेतों तक यानी सफ़ेद ही सफ़ेद नमक का जैसा एक ढका हुआ ढेर लग गया। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज द कॉर्न वाज रोट टोटली डिस्ट्रॉयड द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स लंचो सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। और पेड़ पर एक भी पत्ता ऐसा नहीं था जो सुरक्षित हो,
फसल पूरी तरह नष्ट हो गई और लैंचो अपने आत्मा से दुखी भर जाता है। लैंचो की जो आत्मा जो है बहुत ही दुखित हो जाती है। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स ए प्लॉग ऑफ लॉकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर वी विल हैव नो कर्न। और यह सब बात अपने बेटों से कहता है। दैवी प्रकोप से हमारा नस्ल पूरी तरह नष्ट हो चुका है, ओले भी कुछ नहीं बचा पाया, यह वर्षा हमारे लिए एक अनाज को भी नहीं छोड़ा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी शैल ऑल गो हंगरी दिस। वह रात्रि उनके लिए एक दुखद भरी रात्रि आई थी जो उनके पास यानी सभी कार्य यानी व्यस्त रह गए, यानी उसको सहायता करने के लिए भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था उस अकेले घाटी में, जो इस वर्ष वे लोग भूखे रहने के लिए भी अब सोच में पड़ गए। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन अबाउट दिस समरी, आई विल फोकस अबाउट द नेक्स्ट समरी, नेक्स्ट लाइन इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिन ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू ऑल्सो रीड योर सेल्फ फॉर गिव बेटर कॉन्सेप्ट। टिल थैंक यू।